कठुआ, सांबा और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं सारे प्रेसिडेंट, रामबन के प्रेसिडेंट यहाँ पे पहुंचे हैं, जनरल सेक्रेटरीज हमारे जो हैं और उसके अलावा जो हमारे एसोसिएशन मेंबर हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। तो इसके लिए जो आज साल से हम जो रोडों पे हैं, सड़कों पे अपनी डिमांड को लेते हुए, और आज आप देखेंगे कि जो पीएचई वर्कर्स है वो दिन रात काम करके इसको सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन अब उम्मीद हमें कि जो 31 तारीख को नए कानून यहाँ पे लागू होंगे जम्मू कश्मीर को अलग यूटी का जो है, और यहाँ पे भी जो है हमें जो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे भी जो ये एक्ट है वो लागू होगा, और उसके लिए आज हमने पूरे स्टेट की आज मीटिंग यहाँ पे बुलाई है, और आगे टीम जो दिल्ली से भी यहाँ पे विजिट करेगी, यहाँ पे जम्मू में ऑर्गेनाइज होगा, और उसके बाद ही जो है अगली कार्रवाई जो क्या होती है क्या नहीं होती है 31 के बाद ही हम अगला जो यहाँ पर प्रोग्राम या क्या स्टेप उठाएंगे वो उसके बाद ही हम डिसाइड यहाँ करेंगे। लेकिन फिलहाल आज जितने भी यहाँ पे स्टेट का हमारा कोरम आया आज इनसे डिटेल डिस्कशन होगी, और उसके बाद जो अगला प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम के लिए जो हम आगे यहाँ पे वो सिग्नल देंगे, और जो भी आगे रणनीति बनेगी वो मीडिया के सामने आगे हम वक्त पर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर, आज जो हमारे पूरे स्टेट की जो आज यहाँ पे बॉडी आई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज और जितने भी सेक्शन प्रेसिडेंट हैं हमारे आज सारे यहाँ पे आए हैं, और हमारी ये यहाँ पे डिस्कशन हुई और डिसीजन हुआ कि जो 31 तारीख को जो जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा मिलने जा रहा है उसमें डिलीवर्स की जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पिछले काफ़ी सालों से रोडों पे रहे हम अपने हक के लिए, तो अब एक यकीन हमें बन चुका है कि हमारा जो मसला है शायद इसको यूटी में लाया जाए। और ये अपील भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को, यहाँ पे गवर्नर साहब जो है उनको और दिल्ली में बैठे हुए जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी अपील करते हैं कि जो हमारे इसको मसले को है इसको 31 तारीख को जो यहाँ पे नए कानून और ला लागू होने वाले हैं उसको यूटी के दर्जा मिले, और साथ ही साथ जो हमारे इस काम को जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले एक दो महीने से इसके ऊपर काम कर रही है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से दिल्ली भी गए, यहाँ पे भी हमने मेमोरेंडम सबमिट किए, और हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो दिल्ली है वहाँ पे भी हमने मेमोरेंडम दिया। तो उम्मीद है, एक होप बना है कि आने वाले जो 31 दिसंबर तक या उसके बाद जो भी यहाँ कानून लागू होंगे उसमें डिलीवर्स के मुद्दे, चाहे वो SRO कल नया SRO यहाँ पे बनाना फिर से हो, या यहाँ पे जो सैलरी है जो मिनिमम वेज एक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 18,000 रुपये जो हर उसको यहाँ पे लागू करना, और साथ ही साथ जो हमारे मुद्दे को जो मोदी फॉर PM एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी हमारे मुद्दे को जो दिल्ली और दिल्ली से जो हमारे इसके नेशनल प्रेसिडेंट है रोहित गंगवाल जी या पूरन परदेसी जी, यहाँ के जो हमारे बाबा जी हैं स्टेट कन्वेंडर, तो उन्हें बहुत मिलकर हमारा साथ इस चीज़ में दिया है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसके लिए डिजिटल के लिए पॉजिटिव निकल के आएगा। देखिए, अगर उसके अलावा अगर हमारी डिमांड को यूटी में इंक्लूड नहीं किया जाता है तो एक उच्च तरह के एक दोबारा से एक बिटवीन स्टेट लेवल की, क्योंकि कश्मीर अभी कोई कंसर्न हमारा अभी नहीं हो पा रहा है, तो अगर सरकार 31 तारीख को हमारे मसले को उसमें यूटी में शामिल नहीं करती है तो फिर दोबारा से इस एसोसिएशन को हम गेयर अप करेंगे। लेकिन मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि अब हमारे साथ जो है ये ज़्यादती नहीं होगी, क्योंकि वन नेशन वन लॉ जो नारा दिया हुआ है तमाम पार्टीज ने, या जो यहाँ पे एक निशान एक विधान एक संविधान की जो बात आएगी, तो मुझे लगता है कि अब जो 70 साल के जो हम लोगों के साथ जुल्म होता रहा है शायद ये दफ़ा टूटने के बाद जो है अब हमारे जो डिलीवर्स लोग हैं उनको भी इसकी राहत मिलेगी, और सारे कर्मचारियों को, स्टेट के जितने भी कर्मचारी है उनको राहत मिलेगी, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। अगर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया तो आंदोलन जो है उसका रास्ता हमारे पास ऑलरेडी है, उस पर हम चल ही रहे हैं, तो हम और भी ज़्यादा बड़ी कॉल देनी होगी वो देंगे। लेकिन फिलहाल यही अपील है गवर्नर साहब से और सेंटर में बैठे हुए उच्च अधिकारी जितने भी हैं कि हमारे मसले को फौरी तौर पर जो है अब इसको यूटी में लाया जाए, ताकि 1,05,000 जो मुलाजिम हैं इनको और इनकी फैमिली को रिलीफ मिले। आपका नाम? तनवीर हुसैन, स्टेट प्रेसिडेंट, PHE डिलीवरी एसोसिएशन।